लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं? एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि कोविड वैश्विक सम्मेलन के लिए दुनिया भर के जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, स्टेक होल्डर इस आयोजन में जुड़े हैं, इसके माध्यम से इस महामारी ने जो हमें सिखाया है और भविष्य में जब भी कोई महामारी आए तो हम किस तरीके से सामूहिकता से मुकाबला कर सकते हैं, इसने ये भी सिखाया कि राष्ट्र चाहे कितना भी समर्थ हो, कितना भी कोई राष्ट्र संसाधन युक्त हो, शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी का अकेला मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हमने सिखाया है पूरा विश्व एक है और इस विश्व की लिए मानवता के लिए हमको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महामारी विश्व के सभी देशों के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है और इसको लेकर विश्व के कई देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचे भी चरमराए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें ऐसी वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे देश ने भी कोरोना की तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कि कोविड महामारी को लेकर बोल रहे हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ सवाल जवाब किए थे और क्या कुछ वो बोल रहे हैं एक बार फिर से सुनते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने कम समय के अंदर सबके प्रयासों से इन संसाधनों को जुटाया और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर ने इस कोरोना योद्धा के रूप में जो काम किया, कम संसाधन होने के बाद भी अपनी जान की बाजी लगाकर पहली वेव का मुकाबला किया, क्योंकि इस वेव के बाद हमने विकसित देशों की हालत भी देखे थे। विकसित देशों में भी इतना मजबूत चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी वह देश भी इस महामारी से मुकाबला नहीं कर पाए थे। दूसरी वेव निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत आक्रामक थी। बढ़ती मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य ढांचे पर अत्यधिक दबाव, लेकिन उसके बाद भी दूसरी वेव ने भी हमने मुकाबला किया। ये बात सही है कि दूसरी वेव में हमारे कई साथी नहीं रहे, समाज के कई लोग हमसे पिछड़ गए, कई हमारे चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर नहीं रहे, उन सब का हमें दुख है, पीड़ा है कि हम संपूर्ण प्रयासों के बाद भी उनको नहीं बचा पाए। लेकिन दूसरी वेव के अंदर भी जिस प्रकार से चाहे चिकित्सक हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सेज हो, तमाम लोगों ने दूसरी वेव में जिस सामर्थ्य के साथ काम किया, मुझे याद है उस समय परिवार के लोग भी नजदीक नहीं आते थे, लेकिन हमारे चिकित्सक और फ्रंटलाइन वर्कर मानव सेवा के लिए जुटे रहे, अपनी जान की बाजी लगाकर, और उस दूसरी वेव में कई चिकित्सक हमारे बीच में ही नहीं रहे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहे, सफाई कर्मी नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी उस कोरोना के उस महायुद्ध के अंदर
जो आपका अथक प्रयास रहा, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये भारत के मानव संसाधन की ताकत थी कि हमारे संस्कार, समर्पण और सेवा के संस्कार, मानवीय सेवा हमारे जीवन के अंदर हमें संस्कारित रूप से मिली है और इसीलिए हमने दूसरी वेव का मुकाबला किया। लेकिन अब समय आ गया है कि पहली वेव और दूसरी वेव हमने देखी है। पहली वेव और दूसरी वेव के बाद, पहली वेव में न हमारे पास दवाइयों की एसओपी थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर थे, न कोई गाइडलाइन थी। दूसरी वेव में कुछ हमारे पास दवाइयां, दवाइयों की गाइडलाइन, कुछ जांच के किट, कुछ जांच के परिणाम, कुछ वैज्ञानिकों के अध्ययन जरूर थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी आएगी ये हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने इससे सबक लिया है। पूरे विश्व ने इस वैश्विक महामारी से सबक लेकर इसके मुकाबले के लिए सामूहिक प्रयास किए हैं, अनुभव साझे किए हैं। साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से जो खोज की, जो रिसर्च की, उस रिसर्च को साझा किया है। हमने हमारी टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिस को आपस में साझा किया है, जिसके कारण हम कोविड की महामारी भविष्य में मुकाबला कर पाएंगे। फ्यूचर वे के मुकाबला करने के लिए हमारे पास व्यापक संसाधन है, लेकिन फिर भी हमें दो तरह की योजनाएं बनानी पड़ेगी, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। दो तरह की कार्यनीति बनाकर हम किस तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर जब महामारी हो तो उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन जुटाने और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें हमारे चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा, हमारे हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। भारत में इसको लेकर व्यापक प्रयास किया है। हमने वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारे ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हमने पूर्ण किए, हमने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी वैश्विक महामारी हो तो हम इस पर्याप्त संसाधन जुटा सकें। ऐसा देश की सरकार, राज्य सरकारों ने मिलकर प्रयास किया है। आने वाले समय के अंदर